फाइल का जो टैग है वो हार्ड नहीं होता, फाइल का टैग पार्ट हार्ड नहीं किया जाता। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ और रखी है ऐसी, जैसे कि मैं हैमर पे चलता हूँ, हैमर का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता? चिक, जैसे ये जो बड़ा चिक है ना, ये हार्ड। अच्छा, आपने उसमें एक शब्द का नाम लिया उसमें, रिवॉल्विंग सेंटर। हाँ जी, क्या आप उसे बताएंगे जरा हमें? रिवॉल्विंग सेंटर टेल स्टॉक में फिट होता है। अच्छा। ये जॉब जो ज़्यादा लंबाई की जो जॉब होती है उस जॉब को सहारा देने के लिए। अच्छा, जो पिच नापते हैं वो गहराई मापते हैं कि उसकी दूरी है? ये पिच गहराई में नापते हैं, नहीं ये दो थ्रेड के बीच की जो दूरी है उसको पिच बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो संजू मुझे एक चीज़ और बताओ कि आपने इससे पहले भी कोई DRDO एग्ज़ाम दिया? हाँ जी सर। कब दिया था? September 9 का दिया सर। September 9 का दिया था, तो वहाँ पर क्या आपने एग्ज़ाम दिया था, मतलब क्या रहा उसका रिजल्ट? वहाँ पे सर मैं फाइनल लिस्ट में बाहर हो गया था। अच्छा, मतलब आपका नंबर आ गया था फर्स्ट टाइम? हाँ जी, मतलब Tier 1 में नंबर आया था, उसके बाद Tier 2 के लिए गया। Tier 2 के लिए भी गया। अच्छा, तो क्या कारण था जो नहीं आ पाया था नंबर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू है। संजू, कहाँ से आए हो आप? मैं हरियाणा राज्य के मैनेवर जिले से आया हूँ। आप इसके बारे में जानते हो? हाँ जी। इस पार्ट का नाम क्या है? ये ब्लेड है। ब्लेड, और ये स्टॉक। स्टॉक, ये आपने यूज़ किया सर कभी? हाँ जी। किसी लिए यूज़ किया आपने? ये जॉब के 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए। ठीक है, अभी आपने जॉब बनाया था लेकर आए? हाँ जी सर। दिखाई दे, कितनी देर में बनाया जॉब? एक घंटे। ठीक है, तो ये जॉब आपने बनाया? हाँ जी। कितनी देर में बना चुके? एक घंटे में जॉब बना। तो सबसे पहला जो आपने इसका जो आपको रोड मिली गई होगी, कितना साइज था उसका? उसका था 35। 35 था। हाँ, तो यानी कि ये कितना आपने तैयार किया? ये 30। 35 से 30 ले गए थे। हाँ जी। और ये लास्ट वाला? ये 15। 50 का। हाँ ठीक है, तो मुझे एक बार चेक करके बताओ उसे। वनियर कैलिपर से देखो कहाँ रखा है वनियर कैलिपर। अब मैं 30 वाला चेक करूँ, कितना रहा? 30 आ रहा है। इसके अंदर का ग्रूव जो काटा है उसका कितना है? ये 7 है। दिखाइए जरा, दिखाओ मुझे जो 7 से थोड़ा कम है। कितना? 30। हाँ जी 30 सर। 30 से थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये जो आपका बन गया है, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका नाम बताया क्या है इसे, इसे क्या बोलते हैं? इसको सर फिलर बोलते हैं। फिलर। हाँ जी। और कुछ भी बोलते हैं? हाँ, इसको फिलर, फिलर गेज भी बोलते हैं। और फिलर मतलब फिलर क्या? फिलर ये फिटिंग शॉप में फिलर गेज बोलते थे। हाँ जी, है ना, पूरा नाम होगा फिलर गेज। हाँ जी। तो इसका एक दूसरा नाम भी है पता आपको? हाँ जी सर। क्या बोलते हैं? गैप गेज बोलते हैं। और तीसरा नाम? नहीं सर मुझे। थिकनेस गेज बोलते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं बताइए ज़रा? इसका प्रयोग फिटिंग शॉप में जॉब की गैप चेक करने के लिए किया जाता है। फिटिंग शॉप में जॉब की गैप चेक करने का। ठीक है, फाइल के बारे में जानते हो? हाँ जी सर। इसमें जो फाइल रखी है आप, इसमें से मुझे हाफ राउंड फाइल उठा कर दो जरा, कौन सी है ये? हाफ राउंड दिखाओ जरा, ये हाफ राउंड फाइल है। हाँ जी सर। दांते कैसे कटे होते हैं इसके अंदर? दांते इसमें फ्लैट फेस पे बता दो। चलो, डबल कट में है सर। डबल कट दांते कटे होते हैं। अच्छा, फाइल का कौन सा पार्ट हार्ड नहीं होता? फाइल का जो टैग है वो हार्ड नहीं होता, फाइल का टैग पार्ट हार्ड नहीं किया जाता। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ और रखी है ऐसी, जैसे कि मैं हैमर पे चलता हूँ, हैमर का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता? चिक, जैसे ये जो बड़ा चिक है ना, ये हार्ड नहीं होता। चिक हार्ड नहीं होता। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ ब्लेड भी रखा है, इसमें भी एक चीज़ होती है जिसका पार्ट हार्ड नहीं किया जाता, कौन सा पार्ट है इसका? इसमें इसके जो टीथ हैं वो हार्ड टेम्पर होते हैं, बाकी का जो पार्ट है वो हार्ड टेम्पर नहीं होता। हार्ड टेम्पर नहीं किया जाता। और पिन होल? पिन होल किया जाता है? हार्ड टेम्पर नहीं होते, नहीं किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर एक ड्रिल रखी है, देखो ड्रिल कहाँ रखी है, इसका साइज बताना जरा मुझे कितना है। ऐसे ही बताओ, ये 15 mm की 15 mm की ना, इसमें ड्रिल पर साइज लिखा होता है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ कहीं आपको जैनी कैलिपर दिख रहा है यहाँ? हाँ जी सर, दिखाओ कहाँ है जैनी कैलिपर। ये जैनी कैलिपर है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका रेडियस के लिए प्रयोग करते हैं। रेडियस के लिए? हाँ जी। और कोई प्रयोग? जॉब का सेंटर लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। जॉब का सेंटर निकालने के लिए? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो पूछना चाहते हैं। हाँ जी संजू भाई। हाँ चलो, आपने जो बताया काफ़ी ठीक बताया। अच्छा, आपने और कुछ भी जॉब बनाए हैं? हाँ जी सर। क्या बनाए हैं? सर ये मैंने मीट्रिक थ्रेड का दिया है, 3 mm में। अच्छा, इसकी थ्रेड की जो काटे हैं कितने में काटे हैं? 3 mm। इसे हम कैसे चेक करेंगे 3 mm है कि नहीं? सर इसका थ्रेड गेज है, उससे चेक कर सकते। थ्रेड गेज से? अच्छा अच्छा, थ्रेड गेज से ज़रा चेक करके मुझे दिखाओ। थ्रेड गेज, ये कौन सी थ्रेड गेज है? ये मीट्रिक है। मीट्रिक है? हाँ जी। ओनली फॉर मीट्रिक है कि नहीं? नहीं सर, इसमें भी ट्वर्थ भी है, 55 डिग्री ब्रिटिश भी और मीट्रिक भी दोनों। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ज़रा चेक करके बताओ इसे। में हाँ जी, थ्रेड पिच गेज। हाँ, ये ऐसे चेक कर सकते हैं इसे, जैसे बराबर फिट हो रहा है। अच्छा। तो इसे पता लग जाएगी 3 mm। क्या ये हमारा बराबर फिट हो रहा है उसमें? हाँ जी सर, बराबर फिट हो रहा है। अच्छा अच्छा, अगर इसका हम आउटर डाया चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? इसका आउटर डाया, जैसे कि ये इनर डाया, तो ये होता है जहाँ पे लास्ट है ये। ओनियर कैलिपर कहीं है? हाँ जी है, उसे चेक करके हमें बताओ आउटर डाया कितनी है इसकी। फिफ्टीन है ये, यहीं से भी चेक कर सकते हैं, और जिस भाग से हमने स्टार्ट से थ्रेड काटना शुरू किया था यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। हाँ जी दोनों से। ठीक है, कितना है इसका? 15 mm। अच्छा, इनर डाया जरा चेक करके बताओ मुझे। इनर डाया होता है, इससे हम चेक कर सकते कि नहीं चेक कर सकते? हाँ जी सर, इससे ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये 12 है। 12 है, तो हमारा 3 mm गहराई में कटा है। ठीक है। हाँ जी, तो हम जो पिच नापते हैं वो गहराई में मापते हैं कि उसकी दूरी है? ये पिच गहराई में नापते हैं, नहीं, ये दो थ्रेड के बीच की जो दूरी है उसको पिच बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, क्या वन ईयर माइक्रोमीटर से हम नाप सकते हैं उसकी थ्रेड? हाँ सर, थ्रेड माइक्रोमीटर अलग से आता है, उससे नाप सकते। क्या उसका नाम है? उसका नाम है थ्रेड माइक्रोमीटर। अच्छा, उसकी लिस्ट अकाउंट कितनी होती है? उसकी लिस्ट काउंट 0.01 mm। अच्छा अच्छा, तो आपने जो इस जब थ्रेड को काटे हैं तो कैसे काटे हैं, आप उसका ऑपरेशन बता सकते हैं? हाँ जी सर, बताइए सर। सबसे पहले तो हमने जॉब को 4 दशक में ट्रू किया। ओके ठीक है, उसके बाद इसके इसके डाया में लेके आए टर्निंग लेके, फिर इसमें आप कॉम्बिनेशन ड्रिल से रिवॉल्विंग सेंटर से सहारा दिया जॉब को। ओके, और उसके बाद गेयर सेट किए मीट्रिक थ्रेड में उस हिसाब से, और फिर हमने थ्रेड लगा। अच्छा अच्छा, लेथ मशीन में कौन सा पार्ट होता है जो थ्रेड काटता है? में लीड स्क्रू होता है जिससे थ्रेड निकलती। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपने उसमें एक शब्द का नाम लिया उसमें, हाँ जी, रिवॉल्विंग सेंटर। हाँ जी, क्या आप उसे बताएंगे जरा हमें? रिवॉल्विंग सेंटर टेल स्टोक में फिट होता है। अच्छा। ये जॉब जो ज़्यादा लंबाई की जो जॉब होती है उस जॉब को सहारा देने के लिए। अच्छा अच्छा, तो रिवॉल्विंग सेंटर क्या हमारा जॉब के साथ घूमता है कि नहीं घूमता है? हाँ जी सर, घूमता है। अच्छा, कौन सा ऐसा सेंटर है जो नहीं घूमता है? डेड सेंटर जो घूमता नहीं। अच्छा, उसका एंगल कितना होता है? उसका 60 डिग्री। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये जो आपने जॉब बनाया है ये किस चीज़ पे बनाया है? इसको रॉ मटेरियल को क्या बोलेंगे आप? ये MS माइल्ड स्टील का बना हुआ है। माइल्ड स्टील का होता है, क्या बोलते हैं उसे? माइल्ड स्टील रॉड। रॉड, ठीक है। और MS बार भी बोल सकते हैं ना? हाँ जी सर। राउंड बार भी बोलते हैं इसे? हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ जी सर, बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, इसकी फिनिशिंग के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इसकी फिनिशिंग के लिए हम मिल फाइल का प्रयोग करेंगे। मिल फाइल का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके,
अच्छा, आपको यहाँ पे कहीं हेक्सा दिख रहा है? हाँ जी सर। उसके भागों के बारे में बता सकते हैं, उसके पार्ट्स? हाँ जी सर, बताइए। ये है हमारा हैंड हेक्सा, ये होती है फ्रेम, ये होता है विंगनेट, इसके ब्लेड के जो टीथ होते हैं विंगनेट की। कौन सा विंगनेट है इसमें? ये है विंगनेट, जिसको फ्लाई नेट भी बोलते हैं। ओके। ये है हैंडल, ठीक है। ये इसका स्पिंडल है। स्पिंडल है सर, ध्यान नहीं आ रहा मेरे अभी, लेकिन ये विंगनेट है। ये एडजस्टिंग, हाँ बहुत अच्छा, एडजस्टिंग है, बोल्ट है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, ये पिन होल है जहाँ पे ब्लेड से। पिन होल है उसमें? ये पिन है जिसको पिन लगी हुई है, पिन होल है, ये रिविट लगी हुई है, पिन लगी पिन हुई है जहाँ पे पिन ब्लेड सेट किया जाता है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें हम कितने एमएम के ब्लेड लगा सकते हैं? इसमें सर हम 250 mm की ब्लेड लगा सकते हैं। ब्लेड है आपको कहीं दिख रहा है? हाँ जी सर। जरा हमें आपके बता सकते हैं कितने मिलीमीटर का होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम ब्लेड का? जैसे कि इस ब्लेड की हमें लेंथ नापनी है, तो ये दोनों सेंटर के दो होल हैं, इनके सेंटर से इसका नाप ले सकते हैं। अच्छा, इससे क्लासिफिकेशन का, ठीक है। और इसके टीथ कितने हैं, ये जिग जैग टाइप में है, इससे इसका क्लासिफिकेशन। ओके, और किससे करेंगे हम? चौड़ाई से भी कर सकते हैं? चौड़ाई से भी कर सकते हैं और थिकनेस से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, करते हैं? करते हैं सर, करते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं लेथ बिट दिख रहा है? लेथ बिट सर, लेथ बिट नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा। ये क्या है? ये तो टर्निंग टूल है। टर्निंग टूल है, इसे लेथ बिट भी बोल सकते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ जी सर, ठीक है। इसे अपने हाथ में लीजिए। इसका एंगल कैसे हम चेक करेंगे? इसका एंगल, ये एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ओके, ठीक है। और इसका हमें उसे कॉम्बिनेशन सेट से इसका एंगल ले सकते हैं, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन सेट, हाँ कॉम्बिनेशन सेट से लेते हैं? नहीं नहीं वर्नियर कॉम्बिनेशन सेट ऐसे बोले, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर से मानते हैं। उसके लिए अकाउंट पता है कितनी होती है? 5 degrees। 5 degrees होती है कि 5 मिनट होता है? सॉरी सर, ध्यान में नहीं आ रहा। 5 मिनट होता है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें जो प्रोटेक्टर हेड लगा होता है उसका 1 degree होता है ना। तो संजू मुझे एक चीज़ और बताओ कि आपने इससे पहले भी कोई DRDO का एग्ज़ाम दिया? हाँ जी सर। कब दिया था? September 9 का दिया सर। September 9 का दिया था, तो वहाँ पर क्या आपने एग्ज़ाम दिया था, मतलब क्या रहा उसका रिजल्ट? वहाँ पे सर मैं फाइनल लिस्ट में बाहर हो गया था। अच्छा, मतलब आपका नंबर आ गया था फर्स्ट टाइम? हाँ जी। मतलब टायर 1 में नंबर आया था, उसके बाद टायर 2 के लिए? टायर 2 के लिए भी गया। अच्छा, तो क्या कारण था जो नहीं आ पाया था नंबर? सर उसमें मेरा जो नंबर था टायर 1 का वो कम था, कट ऑफ में नहीं आ पाया मैं। अच्छा, कट ऑफ प्रैक्टिकल बनाया था आपने? हाँ जी सर। बढ़िया, एकदम सही बनाया था? हाँ जी सर। अच्छा, तो आपके नंबर मार्क्स कम थे जिसके कारण आप टायर 2 में क्वालिफाई हो पाए? कोई बात नहीं। तो इस बार क्या उम्मीद लग गई आपको? इस बार लगता है सर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक अच्छे संस्थान से जुड़ गया हूँ। अच्छा, हाँ पहले मैंने ऑनलाइन यहाँ से तैयारी की थी, अब ऑफलाइन यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, ट्रेड तैयारी कर रही हूँ। तो आपको विश्वास है कि इस बार नंबर आ जाएगा? हाँ जी। चलो ठीक है, हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक, और हम भी चाहेंगे आपका नंबर आ जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।